मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर बात को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। ऐसा ही चश्मा यूथ कांग्रेस ने भी पहना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल को शेयर किया है और लिखा है कि उसूलों पर आंच फिर से आ रही है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने सिंधिया के बायो में कहीं बीजेपी या भगवा झंडा नहीं देखा। सिंधिया भी चुप रहने वाले कहां थे, उन्होंने भी लगे हाथ पलटवार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। क्या सिंधिया बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या सिंधिया फिर से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी झंडा नाम सब हटाया। यूथ कांग्रेस के इस दावे में कितनी सच्चाई? मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी है, ऐसे में कयासों और अफवाहों का बाजार गर्म है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। कारण है उनका ट्विटर प्रोफाइल। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने सिंधिया का ट्विटर हैंडल शेयर करते हुए जो लिखा है, उससे सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस ने सिंधिया का ट्विटर हैंडल शेयर करते हुए लिखा है कि उसूलों पर आंच फिर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से बीजेपी का नाम। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सिंधिया के ट्विटर को शेयर किया है। दरअसल सिंधिया के ट्विटर पर इसलिए भी निशाना साधा जा रहा है क्योंकि साल 2018 में सिंधिया ने बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस छोड़ते वक्त भी सिंधिया ने ट्विटर पर अपना बायो चेंज कर लिया था। इसमें उन्होंने पूर्व सांसद और मंत्री की जगह समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी लिखा था। इन तमाम दावों को लेकर जब हमने देखा तो पाया कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं किया है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट। किसी के भी अकाउंट में बीजेपी का जिक्र नहीं है। और रही बात सिंधिया के ट्वीट की, तो उन्होंने पिछले 2 सालों से अपना बायो ही नहीं बदला। उन्होंने कभी भी अपने हैंडल पर बीजेपी लिखा ही नहीं था। वहीं सिंधिया ने भी ट्वीट कर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। ऐसे में कांग्रेस जो बताना चाह रही थी और जो कयास लगा रही थी, उसकी सच्चाई सामने आ गई। बहरहाल ये सियासत है, इसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट।